कुंभ राशि, इस साल का आखिरी दिन, तीन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। जानते हैं 31 दिसंबर की कुंभ राशि पल। दोस्तों, इस साल का आखिरी दिन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, लेकिन इसके बीच आपको तीन चीजों से हाथ धोना भी पड़ सकता है, उसके बारे में जानते हैं। साथ ही आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, व्यापार करियर राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल, स्वास्थ्य राशिफल और पारिवारिक राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें विस्तार से शुरू में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होगा, मन के भाव भी आज सकारात्मक बने रहेंगे, यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय है। आज आपका भविष्य में अधिक विश्वास बना रहेगा, इसी कारण आज आप अपने वर्तमान से थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं, इस बारे में आपको सावधानी की जरूरत है। नौकरी और पारिवारिक कामों में व्यस्त रहने के कारण आज आपको अपने कुछ काम स्थगित करने पड़ सकते हैं। अपने मित्रों और संबंधियों के कारण आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। भाइयों से मेलजोल बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य में अधिक थकान होने से पहले ही उस कार्य को छोड़ दें। अगर हम सामान्य राशिफल की बात करें तो कामकाज के मोर्चे पर दिन बेहद शुभ रहेगा। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई सुनहरा मौका मिल सकता है। पैसों के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, आप समझदारी से खर्च करें और बचत पर भी ध्यान दें। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, परिजनों के साथ आज का दिन आनंद से बीतेगा, जीवन साथी का भावनात्मक समर्थन मिलेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय कोई भी जोखिम उठाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जो भी व्यवसाय चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दीजिएगा। अगर कोई नया काम या फिर उसमें कोई हलचल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बेहतर होगा आप अपने व्यावसायिक निर्णय सोच समझ कर ही लिया करेगा। पारिवारिक जीवन में स्थिति उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, जहां एक और माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है। सबसे पहले अपने रिश्तों को संभालिएगा। रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपकी रिश्ते खराब तो होती है, साथ ही आपके दैनंदिन जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो खानपान के प्रति लापरवाही आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। अनावश्यक खर्चों की स्थिति बनी रहेगी, अपने बजट का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर के दिन आपको कौन से चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले, अगर आप कोई जमीन जायदाद जो कि बेचने की सोच रहे थे, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा था, उसमें आपको वह डील जो कि कैंसिल होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई घरगुती व्यवसाय करते हो, यानी कि जो घर में वो किराना दुकान का हो या फिर आप कोई ड्रेस मटेरियल साड़ी ऐसा कोई बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको उतना अच्छा खासा प्रॉफिट उस दिन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आपको इस दिन कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े तो आप बिल्कुल भी ना लिएगा। अगर लेना भी पड़े तो आप बड़ों से राय जरूर लिया करेगा, वरना आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका व्यापार और करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप इस समय शांति और संतुष्ट से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। खेत, इमारत और वाहन आदि से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। इस समय अपने समय, अधिकार और संसाधनों का सही से उपयोग करें। आज आपका पूरा ध्यान नए विचारों और रणनीतियों को लागू करने की तरफ है। प्रतिष्ठा प्रबंधन को उचित महत्व दें।
इससे आपको अपने संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही इससे आपको अधिक ग्राहक और परियोजनाएं भी मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज का दिन लिव इन पार्टनर या परिवार के साथ मतभेद का है, जिसके कारण आप बेचैन हो सकते हैं। नया वातावरण आपको नए लोगों से मिलाएगा जो पूरा जीवन आपका सहयोग करेंगे। कानूनी समझौते या टाइप की संभावना बन रही है। किसी करीबी मित्र से फिल्म देखने या फिर घूमने का आमंत्रण मिल सकता है। आज आपकी लालसा अपने प्रेमी से प्यार करने और उसकी देखभाल करने और उसे सुरक्षित महसूस कराने की है। अपने दोस्तों की मदद करके उन्हें आश्चर्यचकित करेगा। अपने साथी के प्रति इतने जुड़े हुए महसूस करेंगे कि हर पल उसकी कमी महसूस होगी। वैसे आपका कुल रवैया और केयरिंग नेचर हर किसी को दीवाना बना सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपनी ऊर्जा के स्तर और अपनी कार्यक्षमता के बारे में लोगों से प्राप्त प्रशंसा के कारण भावनाओं में ना बहे, लेकिन अपने दिल में आपको पता है कि आपके अंदर की खामियां और कमजोरी क्या है, तो उन पर काम करें। जैसे कि अपना वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करें और प्रोटीन युक्त आहार लें। अगर हम शिक्षा क्षेत्र राशिफल की बात करें तो छात्रों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा तथा परीक्षा में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उनका मन रचनात्मकता में लगेगा तथा वे उनमें कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपने सहपाठियों का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है, जिससे आपका मन आनंदित होगा। आखिर में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। पारिवारिक रिश्ते पहले की तुलना में बेहतर बनेंगे तथा आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार के सदस्य आपसे प्रभावित होंगे तथा घर में किसी सदस्य की नौकरी भी लग सकती है। यदि परिवार में संपत्ति को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो वह भी आज सुलझ जाएगा तथा सभी का आपके प्रति विश्वास मजबूत होगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तथा किसी प्रकार के विवाद से जरूर बचिए। तो दोस्तों, इस तरह से इस साल का आखिरी दिन रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आ रहे सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान अगर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है वहां पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, रिप्लाई छट से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।